हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास नाइन्थ का जो हमारा चैप्टर नंबर सिक्स है बायो का, साइंस का, टिश्यूज़, इसका हम पार्ट नंबर फाइव करने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में बच्चों हमने प्लांट टिश्यूज़ कंप्लीट कर लिया था, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल टिश्यूज़ के बारे में, ठीक है कि नहीं क्या। और एनिमल टिश्यूज़ का मैंने आपको स्टार्टिंग में जो वीडियो नंबर वन था उसमें एक बेसिक क्लासिफिकेशन चार्ट दिया था, एक बार मैं ब्रीफ में रिवाइज करवा दूं। जो एनिमल टिश्यूज़ है बच्चों उसको हमने चार मेन कैटेगरी में बांटा था, ठीक है। तो पहली मेन कैटेगरी क्या थी, इपिथीलियल टिश्यू। सेकेंड वाली थी कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इपिथीलियल टिश्यू में पांच मेन प्रकार के, आज हम इपिथीलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड वाला जो टाइप था हमारा था कनेक्टेड टिश्यू, उसमें फिर सेवन अलग अलग प्रकार के टिश्यूज हैं, ठीक है। उसका तीसरा हमने देखा था मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में भी दो मेन प्रकार के हैं, वॉलंटरी इनवॉलंटरी मसल्स, और अगेन उसमें भी एक पे दो, एक में एक, वो बाद में डिस्कस करेंगे। और लास्ट हमारा था नर्वस टिश्यू, जिसमें कि हम नर्व सेल या न्यूरॉन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये चार मेन प्रकार के टिश्यूज हमारे एनिमल्स के अंदर। तो आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों इपिथीलियल टिश्यू क्या होता है। शॉर्ट में इपिथीलियल टिश्यू को हम इपिथीलियम भी कहते हैं, समझ में आ गया। इपिथीलियल टिश्यू को हम इपिथीलियम भी कहते हैं, ठीक। और आज हम देखेंगे कि क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती है इपिथीलियल टिश्यू की, किस प्रकार के टिश्यू को इपिथीलियल टिश्यू कहा जाता है, बेसिक उनमें क्राइटेरिया क्या है उसका, एंड व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ इपिथीलियल टिश्यू, और फिर उसका डायग्राम भी मैं बनाना सिखाऊंगा कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन मैंने बना दिया इसका, गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमल टिश्यू। एक आपका कंप्लीट क्वेश्चन नहीं आएगा, आया भी तो टेस्ट में कोई ना कोई छोटा मोटा पार्ट किसी के फीचर के बारे में पूछ सकते हैं, तो आप इसको पॉइंट वाइज करेंगे अच्छे से डिटेल में, ठीक। चलिए, सो इपिथीलियल टिश्यू शॉर्ट में इसको क्या बोल सकते हैं, अगर आपको दो वर्ड्स नहीं लिखने हैं तो हम इपिथीलियम भी कह सकते हैं। इपिथीलियम इज द सिंगुलर वर्ड, ओके। और अगर मैं इसका कर दूं इपिथीलियम, अम की जगह ए लगा दूं, इपिथीलिया, सो प्लूरल हो गया वो, इपिथीलियम्स नहीं होता, इपिथीलिया, इपिथीलियम, इपिथीलिया, ओके। चलिए, तो क्या जनरल प्रॉपर्टीज है सुनेंगे ध्यान से बच्चों। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे खोखले ऑर्गन्स होते हैं, अधिकतर खोखले ऑर्गन्स होते हैं ना, उनकी बाहर की और अंदर की जो सतह, फॉर एग्जांपल ये मेरा खोखला ऑर्गन है, तो उसका जो आउटर सरफेस है वो और इनर सरफेस है, तो सतह बनाने वाला टिश्यू होता है इपिथीलियल टिश्यू, समझ में आ गया। इट इज द टिश्यू दैट फॉर्म द सर्फेसिस बोथ इनर एज वेल एज आउटर। इस सरफेस को हम लाइनिंग भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लाइनिंग। तो इनर लाइनिंग आई मीन टू से इनर सरफेस, आउटर लाइनिंग आई मीन टू से आउटर सरफेस, समझ में आ गया कि नहीं का। सो अंदर के जितने भी खोखले बॉडी ऑर्गन्स हैं या फिर कैविटीज हैं, खोखली कैविटीज हैं, हमारा स्टमक के कैविटी के जैसे ही है, ठीक है। तो स्टमक के अंदर की लाइनिंग हो गया, स्टमक के एक ऑर्गन भी है, तो उसका बाहर का जो आउटर मोस्ट जो सर्फेस है वो, ये सब किसका बना होता है, इपिथीलियल टिश्यू का बना होता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट फॉर्म्स द इंटरनल लाइनिंग ऑफ मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी की जो अधिकतर ऑर्गन्स हैं उसके इंटरनल लाइनिंग, मतलब इवन एक्सटर्नल भी इपिथीलियम है, हमारा स्किन भी इपिथीलियम ही करेंगे, ठीक है। आप माउथ खोलें, माउथ में अपने गाल को दोनों तरफ से पकड़े, बाहर आप टच कर रहे हो अंगूठा, वो भी इपिथीलियम है, और अंदर जो आपकी उंगली टच हो गई गाल के अंदर, वो भी क्या है, इपिथीलियम। अंदर वाला सॉफ्ट है, बाहर वाला थोड़ा सा हार्ड है, समझ में आ गया। तो जितने भी लाइनिंग है, सरफेस बनाने वाला हमारा जो टिश्यू होता है वो इपिथीलियल टिश्यू होता है, समझ में आ गया। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। चलिए, सेकंड पॉइंट बच्चों, इट एक्ट्स एज अ बैरियर टू कीप द डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। हमारे बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स हैं और हर एक सिस्टम जो होता है इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है कि नहीं क्या। अब डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से बिल्कुल अलग है। हमारा जो चेस्ट कैविटी है उसी कैविटी के अंदर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिस्से हैं लंग्स, और उसी कैविटी के अंदर हमारे चेस्ट कैविटी में हमारा हार्ट भी है। हार्ट बिलोंग्स टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, और जबकि उसी चेस्ट कैविटी में हमारा क्या है, लंग्स भी है। तो लंग्स के अंदर हार्ट घुसा हुआ नहीं है आपस में, उनकी वॉल अलग है, उनको हम इजीली अलग कर सकते हैं, चिपके हुए नहीं हो आपस में। तो इसका मतलब देयर इज सम लाइनिंग दैट सेपरेट्स द हार्ट फ्रॉम द लंग्स। तो अलग अलग प्रकार के जो सिस्टम्स हमारी बॉडी के, अलग अलग ऑर्गन्स है, उनमें ये क्या है, सेपरेशन बनाए रखता है। हम हर एक ऑर्गन को अलग निकाल सकते हैं, समझ में आ गया, उनके बीच में स्पेस होगा। देयर इज अ सेपरेट वॉल, सेपरेट लाइनिंग फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गन और कैविटी, ओके। सो इट एक्ट्स एज ए बैरियर, एक तरह से ये बैरियर बाधा का काम करता है, जो कि अलग अलग सिस्टम्स को, अलग अलग ऑर्गन्स को सेपरेट रखता है, चिपकता नहीं है उसके साथ आपस में, ठीक है ना। सो इट एक्ट्स एज ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट, अलग अलग सिस्टम को सेपरेट रखने का काम इपिथीलियल टिश्यू करता है, क्योंकि लाइनिंग बनाता है, सरफेस बनाता है, ठीक। उसके बाद इपिथीलियल टिश्यू की बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो विशेषता है वो क्या है, इपिथीलियल टिश्यू बिल्कुल टाइटली पैक होते हैं, बिल्कुल भी बाल भर का भी उनके बीच में गैप नहीं होता, ठीक है। अगर आपको इपिथीलियल टिश्यू को देखना है ध्यान से, उसका एक क्या करना है, बहुत अच्छा सा डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए उसका, तो आप अपने कमरे में फर्श को देखना, ठीक है। तो अगर आप फर्श को देखोगे अपने कमरे के, तो उस फर्श
पे अगर मान लीजिए अधिकतर आजकल तो ज़माना टाइल्स का होगा या फिर वो पत्थरों का होगा, स्टोन्स का होगा, चाहे मार्बल हो चाहे वो ग्रेनाइट हो कोई भी हो, ठीक है ना। तो एक सिंगल पीस में वो फ्लोरिंग नहीं किया गया, अगर टाइल्स हैं तो मल्टीपल टाइल्स को जोड़ करके बनाया गया, उनमें जॉइंट्स भी दिखते होंगे, ठीक है, लेकिन वो जॉइंट्स के बीच में गैप नहीं दिखता। आप एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर सुई उसके गैप में पिरो नहीं सकते, बिल्कुल टाइटली पैक्ड है। तो अलग अलग पीसेज हैं, टाइल्स हैं या फिर क्या टाइल या फिर स्टोन पीसेज हैं, बट दे आर लेड सो क्लोज टू ईच अदर दैट देर इज नो स्पेस लेफ्ट इन बिटवीन देम, तो टाइट पैकिंग होती है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार के सेल्स जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं दे आर टाइटली पैक्ड विदाउट लिविंग एनी इंटरसेल्युलर स्पेसेस, बीच में कोई गैप नहीं बसते, समझ में आ गया। और गैप नहीं बसते तो एक कंटिन्यूस शीट परत बना लेते हैं, जैसे हमारा फ्लोर एक कंटिन्यूस शीट बना लेता है। आप बाथरूम से विजिट करोगे तो वहाँ पे दीवारों पर टाइल्स लगी हुई है, लगातार है, बीच में कोई गैप नहीं है, इसी प्रकार से ये एक कंटिन्यूस परत शीट बनाते हैं, समझ में आ गया कि नहीं। क्या तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल्स दे आर टाइटली पैक्ड विदाउट एनी इंटरसेल्युलर स्पेसेस, कोई गैप नहीं है, कोई खाली जगह नहीं है बिटवीन देम, ओके, एंड दे फॉर्म अ कंटिन्यूस शीट लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या, सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है बच्चों ये अपने आर पार चीज़ों को आने जाने देते हैं, बट सेलेक्टिवली साइज के आधार पर, कुछ चीज़ों को आर पार जाने देंगे, कुछ को नहीं देने देंगे। हम पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो एक सेलेक्टिवली परमिएबल है, तो ये क्या चीज़ों को आर पार आने जाने देते हैं, तो परमिएबल तो है, ठीक। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनका शेप अलग अलग प्रकार का है। अब शेप किस चीज पे डिपेंड करता है, मैं आपको देखो पहले कुछ दिन पहले मैंने बताया था, डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होती है, मेरिस्टमल टिश्यू किस प्रकार से परमानेंट टिश्यू को बनाते हैं वो तो प्लांट्स की बात होगी, तो इसी प्रकार से हमारे एनिमल बॉडी में भी मेरिस्टमेटिक टिश्यू होते हैं, बट उनको मेरिस्टमेटिक टिश्यू नहीं बोलते, उनको हम बोलते हैं स्टेम सेल्स बोलते हैं, मैं बाद में बताऊंगा आगे चल के 10th क्लास में आएगा वैसे स्टेम सेल्स। तो ये वो सेल्स हैं जो लगातार डिवाइड करके नए नए सेल्स बनाते रहते हैं, और फिर वो जो नए सेल्स बनेंगे ना उनमें से कुछ सेल्स बट द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन दे अंडरगो चेंज इन शेप स्ट्रक्चर एंड देन दे टेक अप ए पर्टिकुलर फंक्शन, और वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं डिफरेंशिएशन के पश्चात, उसके बाद उनकी डिवीजन क्षमता हो जाती है बंद, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के बाद में जो हमारे स्टेम सेल्स हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू, बिल्कुल जैसे प्लांट्स में था यहाँ पे एनिमल सेल्स में, तो एनिमल सेल्स में उनको स्टेम सेल कहा जाता है, तो स्टेम वैसे प्लांट का हिस्सा होता है बट एनिमल सेल्स के अंदर जो मेरिस्टमेटिक सेल्स होते हैं उनको स्टेम सेल्स बोलते हैं, जिनकी डिवीजन क्षमता लगातार रहती है, लेकिन वो अडल्टहुड में जाकर के नहीं होता, वो यंग एज में ही होता है वो, और जब पर्सन बड़ा हो जाता है तो ये स्टेम सेल्स बिल्कुल बॉडी में कहीं कहीं पे ही होते हैं, एग्जांपल्स मैं बताऊंगा बाद में क्या, ठीक है ना। तो जो ये सेल्स हैं हमारे कौन से वाले, एपिथेलियल सेल्स, इनका शेप अलग अलग होता है, और अलग अलग शेप है वो काम के अनुसार उन्होंने अपना शेप ढाल लिया, किसी का कुछ फंक्शन है किसी का कुछ फंक्शन है, तो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन दे हैव मॉडिफाइड देयर शेप्स, सो दे मे हैव डिफरेंट शेप्स एज पर देयर फंक्शन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ वाला, दे आर सेलेक्टिवली परमिएबल एंड मे हैव डिफरेंट शेप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, कार्य के आधार पर उनके फंक्शन पर डिपेंड करता है उनके अलग अलग शेप, आगे हम बात करेंगे क्या क्या शेप होगा क्या काम होता है उनका, ठीक है। उसके बाद बहुत जरूरी चीज़ बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज़, जितने भी हमारे एपिथेलियल टिश्यू हैं, मान लीजिए ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू की परत हो गई, ठीक है, अब इसके बाद ये एक टिश्यू हो गया, इसके बाद कोई एक दूसरा टिश्यू भी तो होना चाहिए, लेकिन बच्चों ये दूसरा जो टिश्यू है उसको इससे सेपरेशन चाहिए, कैसे पता लगेगा कि दूसरा टिश्यू स्टार्ट हो गया, तो एपिथेलियल टिश्यू उसके बाद में जो भी कोई दूसरा टिश्यू होता है नॉर्मली मसल्स आते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के बाद में नॉर्मली क्या आती है मसल्स आती हैं, तो मसल्स और एपिथेलियल टिश्यू एकदम से साथ में चिपके हुए नहीं है, इनके बीच में एक और पार्टीशन वाला टिश्यू है जो कि इन दोनों को पृथक करता है अलग करता है, तो समझना ध्यान से, जहाँ कहीं पे एपिथेलियल टिश्यू होता है ना उसके नीचे पक्का एक और फाइब्रस टिश्यू मौजूद होता है जिसको बोलते हैं फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके बाद अगला टिश्यू चालू होगा, समझ में आ गया। तो वैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन खुद में एक टिश्यू है, तो फर्स्ट देयर विल बी एपिथेलियम, उसके बाद क्या आता है एक फाइब्रस मेम्ब्रेन होगी, एंड देन ओनली कम्स द अदर टिश्यू दैट इज द मस्कुलर टिश्यू, तो ये बिल्कुल सीक्वेंस ध्यान रखेंगे, फर्स्ट एपिथेलियम उसके बाद फाइब्रस टिश्यू उसके बाद मस्कुलर टिश्यू, समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो एवरी एपिथेलियम टॉप पे इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू, उसके नीचे का जो मेजर टिश्यू आता है बाय मीन्स ऑफ ए फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, आप अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे तो उस फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसको नॉर्मली ब्लूइश कलर से या रेडिश कलर से अलग पिंक कलर से ऐसा दिखाया गया, आप टेक्स्ट बुक में अपनी फिगर्स चेक करना, एपिथेलियम के सबके फिगर्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो देर विल बी फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, बिना बेसमेंट मेम्ब्रेन के एपिथेलियल टिश्यू नहीं होता, समझ में आ गया। चलो इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं, मान लीजिए आपने अपने घर में फ्लोरिंग करवानी है, ठीक है, तो एक बार हमने पक्का फर्श डाल दिया, उसके बाद फ्लोरिंग करवानी, फ्लोरिंग मतलब टाइल डलवानी है या फिर पत्थर लगवाना है, तो टाइल और पत्थर लगाने से पहले मेसन क्या करता है बच्चों, सीधा ही गोंद लगा लगा के या सीमेंट लगा के टाइल नहीं चिपका देता उस पर,
फर्स्ट ही प्रिपेयर्स ए सैंड बेड, सैंड और जो सीमेंट का सॉफ्ट मिक्सचर होता है उसका एक बेड तैयार करता है, सॉफ्ट भुरभुरा सा मटेरियल तैयार करता है, उसका बिल्कुल लेवलिंग करता है, उसके बाद ही वो पत्थर या टाइल उसके ऊपर लगाता है। समझ में आ गया कि नहीं? इसी प्रकार जैसे आरसीसी की छत डल गई, छत के ऊपर पत्थर डालना है अपने को, स्टोन लेइंग करनी है, पेमेंट करना है, तो उसके बाद पहले एक वो छोटा सा सैंड बेड एक पतला सा एक डेढ़ इंच का बनाता है, उसके बाद ही उस पर पत्थर लगाता है। तो वो जो छोटा सा सेपरेशन मेम्ब्रेन हो गई वो क्या कहलाती है? वो हमारी फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। समझ में आ गया? तो बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पे ये भी ठीक है ना। ओके, इसी प्रकार से जैसे हमारा कोई भी हार्ड ब्रिक वॉल है बच्चों, ईट है, ईंटों की दीवार है, अब ईंटों की दीवार पे हमको टाइल लगाना है, तो कई लोग सोच सकते हैं कि प्लास्टरिंग की क्या जरूरत है, हम सीधा मसाला क्या सीमेंट लगा कर सीधे टाइल चिपका दें, टेढ़ी मेढ़ी लगेंगी, नीचे गिर जाएंगी, गैप्स हो जाएंगे, ठीक है, कच्चा स्ट्रक्चर होगा। तो इसीलिए नॉर्मली कोई भी ईंटों की दीवार होती है पहले उस पर प्लास्टरिंग की जाती है एक डेढ़ इंच की, और प्लास्टरिंग करने के बाद ही उस पर टाइल वर्क होता है। समझ में आ गया? तो ये जो प्लास्टर की जो मेम्ब्रेन हो गई ना एक डेढ़ इंच की, ये प्लास्टर्ड जो वॉल है, ये प्लास्टर एक तरह से बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। ऊपर की जो टाइल हो गई वो हमारा कौन सा टिश्यू हो गया? इपिथेलियल टिश्यू हो गया, और ईंट जो होगी हमारा अलग प्रकार का टिश्यू हो गया, जो मस्कुलर टिश्यू की बात कर रहा हूँ। समझ आ गया? तो सीक्वेंस ध्यान रखेंगे, फर्स्ट वन इज इपिथेलियम, सेकंड वन द फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसके बारे में बात करेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का मैंने भूमिका नाम खुद ही कहता है, कनेक्ट करता है, तो इपिथेलियम को मस्कुलर टिश्यू से कनेक्ट करने का काम करता है, दैट्स व्हाई इट इज कनेक्टिंग टिश्यू। तो ये हमारा क्या है? एरियोलर टिश्यू है, फाइब्रस जो टिश्यू है एरियोलर टिश्यू, वो कनेक्टिव टिश्यू के टाइप में समझाऊंगा, टाइप बी आएगा, ये हमारा टाइप ए चल रहा है इपिथेलियम। तो फोर आएंगे, कैपिटल लेटर ए बी सी डी इपिथेलियल टिश्यू, बी वाले में कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, सी वाले में पढ़ेंगे हम कौन सा मस्कुलर टिश्यू, और डी वाले में नर्वस टिश्यू, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। ऑल इपिथीलिया प्लूरल में है, ऑल इपिथीलिया आर सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय ए फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है कि नहीं क्या? उसके बाद बच्चों इपिथीलियम जैसा कि मैंने बोला कि हमारी लाइनिंग बनाता है, इनर और आउटर लाइनिंग बनाता है। तो मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर कुछ भी चीज़ पहुँचनी है, कुछ भी चीज़ पहुँचनी है, तो शरीर के अंदर पहुँचने का मतलब है सेल्स के अंदर तक पहुँचना, बॉडी सिस्टम तक पहुँचना। तो अगर हमारे सेल्स तक कुछ भी चीज़ों को पहुँचाना है बॉडी सिस्टम में, तो जो भी चीज़ की एंट्री होनी है या जो चीज़ बाहर निकले हमारे शरीर से, उसको इपिथीलियम को क्रॉस करना पड़ेगा, कम से कम एक इपिथीलियम को क्रॉस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको एक कड़वी सी दवाई लेनी है जो कि आप मुंह से नहीं ले सकते, आपको इंजेक्शन लगा दिया जाएगा, तो स्किन को घोंप करके लगाया जाएगा, स्किन इपिथीलियम है, तो स्किन को पार किए बिना आपके बॉडी के अंदर कुछ पहुंचेगा नहीं, स्वेट बाहर निकलता है, स्किन के अंदर से बाहर निकलता है, तो इपिथीलियम को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। आपने भोजन खाया, वो भोजन सेल्स तक जाएगा, सेल्स तक कैसे पहुंचेगा? वो भोजन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग जगहों पर डाइजेस्ट होगा, सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्टीमेटली इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, इंटेस्टाइन में इपिथीलियल लाइनिंग है, और वो जो सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में जो फूड है वो इपिथीलियल लाइनिंग उसको चूस लेगी, क्रॉस कर देगी, और उसके बाद अंदर टिश्यूज तक पहुंचा देगी, जहां से ब्लड उसको टेकअप करके बॉडी पार्ट तक पहुंचा देगा, तो इपिथीलियम क्रॉस करके ही वो जा पाएगा। तो चाहे बाहर से एंट्री हो चाहे अंदर से एंट्री हो, हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीजन रिच एयर लंग्स में भर लेते हैं, लंग्स के अंदर इपिथीलियम है, उस इपिथीलियम में से ऑक्सीजन तो इपिथीलियम को क्रॉस करके ब्लड में मिक्सअप हो जाती है, ब्लड में से CO2 डिफ्यूज होकर के बाहर लंग कैविटी में आ जाती है, तो इपिथीलियम को क्रॉस करके ही CO2 बाहर आ पाई, इपिथीलियम को क्रॉस करके ही ऑक्सीजन अंदर जा पाई। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या सीखा हमने? एनीथिंग दैट हैज टू एंटर अवर बॉडी और दैट हैज टू लीव अवर बॉडी, इट मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ इपिथीलियम। समझ में आ गया? एक लेयर इपिथीलियम की क्रॉस करनी ही पड़ेगी, एग्जाम्पल्स मैंने बता दी है। सो एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ इपिथीलियम। चलिए, अब पांच मेन प्रकार के इपिथीलियम है बच्चों। सबसे पहला आता है स्क्वैमस इपिथीलियम। ये जो सेल्स हैं इनकी विशेषता क्या है? बिल्कुल थिन वॉल्ड फ्लैट सेल्स हैं, पतले हैं, कंटिन्यूस शीट बनाते हैं, बीच में कोई गैप नहीं है, ये तो हमने कॉमन पॉइंट्स पढ़ ही लिए, ठीक है। और ये क्योंकि थिन वॉल्ड फ्लैट है, चपटे हैं, तो इनमें मजबूती बहुत ज़्यादा नहीं होती। ये जो परत बनाते हैं ना, ये बहुत ही सॉफ्ट मेम्ब्रेन बनती है, डेलिकेट लाइनिंग बनती है, ठीक है। आप के जो गाल है, माउथ है, माउथ के अंदर की जो लाइनिंग है, कई बार देखा होगा खाना खाते खाते हमारा दांत लग जाता है तो होंट कट जाता है, कई बार गाल कट जाता है, उसमें छाला हो जाता है। समझा क्या कि नहीं क्या? हल्का सा कोई भी हम हार्श चीज़ें खा लेते हैं या जो हम क्या है काफ़ी एसिडिक चीज़ें खा लेते हैं तो हमारे क्या मुँह छिल जाता है अंदर से, ठीक। तो या फिर हम ज़्यादा कठोर चीज़ें खा लेते हैं तो उनसे भी क्या मुँह छिल जाता है अंदर से, तो वो क्या है? ये स्क्वैमस इपिथीलियम डिस्टर्ब हो रहा है। तो हमारा जो माउथ है उसके इंटरनल लाइनिंग, उसके बाद हमारा जो फूड पाइप है बच्चों, वो भी क्या है? इपिथीलियल टिश्यू है, उसके अंदर स्क्वैमस इपिथीलियम। थिन वॉल्ड है, पतली डेलिकेट शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। सो दे आर फ्लैट एंड थिन वॉल्ड सेल्स, चपटे हैं, ठीक है। एंड दे फॉर्म ए थिन एंड डेलिकेट लाइनिंग ऑफ सम ऑर्गन्स लाइक द माउथ एंड द ईसोफेगस। ईसोफेगस इज फूड पाइप, माउथ के बाद जो हमारा स्टमक तक एक
पाइप लीड करता है माउथ, माउथ के बाद आता है माउथ हमारा बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद आता है हमारा क्या फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद में फूड पाइप आ जाता है, तो फूड पाइप लीड करता है स्टमक के अंदर। तो ये इन दोनों की जो लाइनिंग है वो थिन वॉल्ड फ्लैट सेल्स की बनी है जो कि क्या है स्क्वैमस इपिथीलियम है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्यूबॉइडल इपिथीलियम, द नेम सजेस्ट इसका जो शेप है वो या तो क्यूबिकल है, आपने डाइस देखी होगी ना खेलने वाली, या तो वैसा है या सपोज ये चौक का जो बॉक्स है ये हमारा क्यूब लाइक सेल्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह का क्यूब भी हो सकता है क्यूबॉइड भी हो सकता है, इस प्रकार के शेप होते हैं उनकी, ठीक है कि नहीं क्या। तो मजबूती में ये जो शीट लाइक सेल्स है इनसे थोड़े से ज़्यादा मजबूती देगा, मेम्ब्रेन थोड़ी मोटी बनेगी, बस ये है, ठीक है। और ये क्या होते हैं परमिएबल होते हैं थोड़े बहुत, ठीक है कि नहीं क्या। सो सिक्रेटरी भी होते हैं, सो द सेल्स आर क्यूबिकल और क्यूबॉइडल इन शेप, डब्बनुमा बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। दे आर सिक्रेटरी इन फंक्शन, नॉर्मली क्या चीज़ों को सिक्रीट करते हैं, एब्जॉर्प्शन भी होता है थोड़ा बहुत नेचर इनका। देन उसके बाद कहाँ मिलते हैं ये सेल्स, दीज आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स। बच्चों किडनी हमारे एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स हैं, और हमारी किडनी के अंदर जो भी ब्लड जाता है वो ब्लड फिल्टर होता है, वहाँ पर फिल्टर होने के बाद उसमें से क्या कुछ वेस्ट निकलते हैं, समझा क्या कि नहीं क्या। और ये वेस्ट मेटल जो होते हैं ये इसमें कई बार कुछ यूजफुल चीज़ें भी छन जाती हैं, तो यूज़फुल चीज़ों को वापस रीअब्जॉर्ब किया जाता है। और ये जो छल्ले वाला काम है, छन्ने वाला जो काम है, इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड ट्यूब्यूल्स होते हैं हमारी किडनी के अंदर, जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं इनको हम, नेफ्रॉन। तो इन नेफ्रॉन की पतली पतली नलियाँ होती है, ट्यूब ट्यूब्यूल कहते हैं इनको, ट्यूब से भी बहुत बारीक होगी ट्यूब्यूल, ठीक है कि नहीं क्या। तो इन ट्यूब्यूल्स में से जब वो फिल्टर्ड जो मटेरियल है वो जब जाएगा तो उसमें से यूज़फुल चीज़ें वापस खींचती हैं बाहर। तो उस ट्यूब्यूल की जो मेम्ब्रेन है, लाइनिंग है, इनर लाइनिंग, वो किसकी बनती है, क्यूबॉइडल इपिथीलियम की बनती है। इवन हमारे जो किडनी की ट्यूब्स होती है, यूरेटर, दोनों किडनी से जो दो ट्यूब्स आती है ना निकल करके, जो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को क्या करती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं, स्टोर कर देती हैं, तो वो जो ट्यूब्स हैं जो किडनी से निकल के आती हैं, तो यूरेटर कहते हैं उनको, उनकी इनर लाइनिंग भी इसी की बनी है। तो किडनी की ट्यूब्यूल्स हो गई, यूरेटर हो गया, उसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड जो होती है, हमारी सलाइवरी ग्लैंड उसकी इंटीरियर जो लाइनिंग है वो यही इपिथीलियल, क्यूबॉइडल इपिथीलियम है। और सलाइवरी ग्लैंड से पतली पतली नलियाँ, डक्ट निकलती हैं जो हमारे माउथ में अलग अलग हिस्सों में खुलती हैं। तो तीन हमारी मेन सलाइवरी ग्लैंड्स हैं माउथ के अंदर, है पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, एंड तीसरी है सबलिंगुअल। समझ में आ गया। तो पैरोटिड ग्लैंड तो चीक में होती है, सबमैंडिबुलर जॉ में नीचे, और सब लिंगुअल टंग के नीचे लोअर जॉ पे सरफेस पे। तो इन सब की इनर लाइनिंग और साथ में इनकी ट्यूब्स जो कि लार सलाइवा सिक्रेट करती है माउथ के अंदर, वो सब क्या है हमारा क्यूबॉइडल इपिथीलियम। समझ में आ गया कि नहीं का। तो तीन मैंने ग्लैंड्स कौन सी बताई, सलाइवरी ग्लैंड्स पहली, पैरोटिड ग्लैंड दो है ये जोड़े में है, पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी सब मैंडिबुलर, मैंडिबुलर होता है जबड़ा, सब मैंडिबुलर यहाँ होती नीचे जबड़े में, ठीक है। और तीसरी सब लिंगुअल, लिंगुआ लैंग्वेज, लैंग्वेज बोलने के लिए जीव चाहिए, टंग, लिंगुआ शब्द टंग, और टंग के नीचे होती है क्या सब लिंगुअल। तो ये हमारी क्या है क्यूबॉइडल इपिथीलियम है। तो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर से, ठीक है, डब्बेनुमा सेल से, ये फ्लैट है चपटे सेल से, ये डब्बेनुमा सेल से। तो इमेजिन कर ले, हम एक एग्जांपल आपको देना चाहूँ मैं, तो हम फर्श पे टाइल लगाते हैं तो टाइल हमारा स्क्वैमस सेल्स के जैसा हो गया, ठीक है। और अगर हम नीचे फर्श पे ईंट बिछा दें बहुत सारी, कंप्लीट साबुत या आधी आधी ईंट बिछा दे फ्लैट करके, तो वो क्यूब लाइक या क्यूबॉइड लाइक स्ट्रक्चर्स हो गए, तो वो संपोर्ट ऐसा होगा। तो जो हमारा टाइल्स वाला मामला उससे थोड़ा मोटा होगा ईंटों का परत, ठीक है कि नहीं क्या। तो मजबूती का फर्क रहेगा खाली, ठीक है। चलिए तीसरा हमारा सिलिएटेड कॉलमनार इपिथीलियम सेल्स। सीलिया क्या चीज़ होता है, सीलिया बच्चों एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जो कि नॉर्मली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये सीलिया क्या करते हैं, किसी सेल के अगर एंड पे होते हैं तो बस सीलिया जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये ऐसे 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 मूव करते हैं, जिससे चीज़ों को इधर से उधर हिलाने का काम करते हैं, ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो कुछ कुछ सेल्स में होते हैं ये सीलिया, ठीक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। मैं डायग्राम बना दूंगा अभी। कॉलमनार शब्द में है कॉलम, कॉलम होता है पिलर, आपने बिल्डिंग बनाई तो देखा होगा बहुत सारी बिल्डिंग्स होती है, बिल्डिंग्स को पिलर के ऊपर उठाया जाता है, कॉलम होते हैं ना बड़े बड़े आरसीसी के कॉलम्स होते हैं, तो उस प्रकार के दिखने वाले सेल्स हैं। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट मोर ले सेम जैसे हैं, बट इसमें क्या होती है हाइट विल बी मच मोर। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो दे अपीयर लाइक पिलर्स, खंभों के जैसे दिखते हैं ये, और उनके एक एंड पे, नीचे बेस नहीं, जो खुला एंड होता है उस खुले एंड पे जो एक्सपोज एंड है उस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सीलिया बोलते हैं, और ये चीज़ों को मोबिलाइज करने के काम करता है। मोबिलाइज मतलब होता है मूवमेंट, इधर से उधर मूवमेंट में हेल्प करते हैं ये, ठीक। सो व्हाट आर सीलिएटेड कॉलमनार, ये नॉर्मली हमारे इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है उसमें पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज लार्ज इंटेस्टाइन, उसके अलावा हमारे लंग्स में भी हैं ये, ठीक है। लंग्स के जो इंटीरियर सरफेस अंदर वाली उसके अंदर होते हैं, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है पूरा, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकस, इन सब के अंदर होते हैं, ठीक, जहाँ जहाँ से एयर गुजरती है हमारी। सो इलोंगेटेड पिलर लाइक सेल्स हैविंग सीलिया एट वन एंड, लंबे पिलर जैसे सेल्स हैं जिसमें कि एक छोर पे क्या है सीलिया, सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स।
फाउंड इन इंटेस्टाइन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारे आंतों में, इंटेस्टाइन में मिलते हैं स्मॉल एज वेल एज बिग इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एज वेल एज कहाँ मिलते हैं ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो श्वसन तंत्र है उसका जो पैसेज है, ट्रकिया विंड पाइप जिसको बोलते हैं, उसके आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ब्रोंकस बोलते हैं उसको, फिर आगे और फाइन ट्यूब्यूल्स है उसकी ब्रोंकियोल्स, जिनके एंड पे स्मॉल स्मॉल सैक लाइक एयर बल्ब्स होते हैं जिनको हम एल्वियोलस बोलते हैं, इन सब की जो इनर लाइनिंग होती है किसकी होती है, स्क्वेमस सॉरी क्या सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम ट्रैक्ट में। उसके बाद सीलिया का मेन काम क्या है, मैंने बताया सीलिया हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड एंड म्यूकस, तो अगर हमारे इंटेस्टाइन में है तो फूड जो है डाइजेस्टेड या अनडाइजेस्टेड जो भी है उसको मूवमेंट करने का काम करता है। उसके बाद बच्चों हमारी एंजाइम्स जो होते हैं बॉडी की, ये भोजन को डाइजेस्ट करती है, लेकिन ये एंजाइम्स हमारे खुद के बॉडी को भी डाइजेस्ट कर सकती है, हमारे खुद के सेल्स को भी डाइजेस्ट कर सकती है, तो हमारे खुद के एंजाइम्स का खुद के सेल्स पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए इंटेस्टाइन पे, इंटेस्टाइन में छेद हो जाएंगे नहीं तो, तो इसके लिए हमारे शरीर के अंदर इंटेस्टाइन में स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं गॉबलेट सेल्स, और ये गॉबलेट सेल्स क्या होते हैं, स्पेशल चिपचिपा सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जिसको म्यूकस कहते हैं, और ये म्यूकस पूरी इंटरनल जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है जहाँ जहाँ से फूड गुजरता है उस एलिमेंट्री कैनाल पर लेप लगा के रखता है, समझ में आ गया, और इसके कारण जो हमारी इंटेस्टाइन है, हमारा जो फूड पाइप है या हमारा जो भी गट है एलिमेंट्री कैनाल जहाँ जहाँ से भोजन गुजरता है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पैसेज है उस पर हमारी बॉडी के द्वारा सिक्रीट कई एंजाइम्स खुद के बॉडी पर काम नहीं करती, क्योंकि हमारा खुद का बॉडी भी तो भाई एलिमेंट्री कैनाल फ्लैश ही तो है, और फ्लैश इज नथिंग बट प्रोटीन, तो प्रोटीन हम बाहर से खाते हैं दूसरे का फ्लैश खाते हैं वो तो डाइजेस्ट हो जाता है, तो खुद का भी कर सकते हैं एंजाइम्स, अपना पराया नहीं देखते वो, लेकिन जो म्यूकस होता है म्यूकस की मेम्ब्रेन क्या होती है उसको रोकती है, तो मान लीजिए ये हमारा इंटेस्टाइन का पार्ट है ना, ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करती है बाहर से आने वाला प्रोटीन उसको तो डाइजेस्ट करेगी करेगी, तो ये जो इंटेस्टाइन की वॉल है ये भी तो फ्लैश ही है, ये इसको भी तो डाइजेस्ट कर सकती है, छेद कर सकती है, तो इससे बचने के लिए क्या होता है बच्चों, ये जो इंटेस्टाइन है इसके अंदर जो भी हमारे कोलुमनार एपिथेलियल सेल्स होते हैं उसमें से कुछ स्पेशल सेल्स एक स्पेशल चिपचिपा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सिक्रेट करते हैं जिसको म्यूकस बोलते हैं, और ये म्यूकस इसके चारों तरफ एक पतली सी कवरिंग लेप तैयार कर देता है, इससे हमारी जो एंजाइम्स होती है हमारे खुद के बॉडी पे काम नहीं करती, बाहर से जो भोजन खाए उसी पे काम करती है, समझ में आ गया कि नहीं क्या, तो ये है हमारा क्या म्यूकस, तो म्यूकस को मोबिलाइज करना प्लस फूड को मोबिलाइज करना, ये काम है सीलिया का, ठीक है कि नहीं क्या। फंक्शन इनका मेन क्या है भाई, ये सिक्रेट भी करते हैं, मैंने बताया ना म्यूकस सिक्रेट होता है इनके द्वारा, और दूसरा क्या ये एब्जॉर्प्शन पे कभी काम करते हैं, एब्जॉर्ब जो भोजन डाइस हो गया उसको खींचते भी हैं और म्यूकस वगैरह को सिक्रेट भी करते हैं, एंजाइम सिक्रेट करते हैं, तो एंजाइम्स तो बाहर आएंगे डाइजेशन के लिए और म्यूकस भी रिलीज होगा और फूड एब्जॉर्ब होगा, तो ये दोनों तरफ है सिक्रीशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन, ये दोनों काम है किसका, सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियल सेल्स, ठीक है कि नहीं क्या। उसके बाद बच्चों हमारा आ गया एक और, जैसे ये हमारा स्क्वेमस एपिथेलियम है, मैंने बताया ये फ्लैट सेल्स हैं, पतले चपटे पतली पतली डेलिकेट शीट बनाते हैं, समझ में आ गया। अब मुझे बताइए अगर मैं ऐसी पतली पतली सेल्स की जो शीट है, एक शीट उसके ऊपर एक और उसके ऊपर एक और उसके ऊपर ऐसे 50-60-100 शीट एक के बाद एक मैं जमा करके रख दूँ टाइट, तो वो जो मोटा सारा स्ट्रक्चर बनेगा वो बहुत काफ़ी मजबूत होगा, तो ये जो परतें मैंने बना दी ना स्क्वेमस एपिथेलियम की, जिससे कि मोटा सारा ब्लॉक बन गया, इस तरह से परत दर परत स्क्वेमस एपिथेलियम को जचाने पर जो टिश्यू तैयार होगा उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटा मतलब लेयर, परत बना दी खूब सारी, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर हो गया, तो ये ज़्यादा मजबूती और हार्डनेस देता है। तो वैसे मैंने बताया हमारा जो इनर, मैंने बताया था ये कहाँ होता है, माउथ में होता है, इस इफेक्ट में, तो माउथ की अंदर वाली लाइनिंग तो कौन सी, ये वाली है, लेकिन बाहर जो है ना बाहर उसको बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ होना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा वेयर एंड टीयर टूट फूट झेलनी पड़ती है, ठीक है। आपका ये हाथ है, ये आपने ऐसे रगड़ा मार दिया तो आपको कुछ दर्द नहीं होगा, आपने ऐसे दीवार पर रगड़ा मार दिया दर्द नहीं होगा, लेकिन माउथ का अंदर वाला हिस्सा है, या इमेजिन करना कहीं से चमड़ी छिल जाए, ऊपर का हिस्सा छिल जाए, और छिलने के बाद में कोई स्टोन वगैरह लेके ऐसे रब करना उस पर दर्द होगा बड़ा, तो अंदर वाली टिश्यू बहुत डेलिकेट है, टच करते ही दर्द होगा, जलन होगी, समझ आ गया, कहीं से छिल जाए और छिले हुए को और वापस किसी पे सरफेस पे रख के रगड़ो तो दर्द होगा बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब बाहर वाला जो सरफेस है वो रफ एंड टफ होना चाहिए, ठीक है कि नहीं क्या। तो बाहर वाली सरफेस को रफ एंड टफ बनाने के लिए जो स्क्वेमस एपिथेलियम बच्चों ये मल्टी लेयर स्ट्रक्चर बन जाता है, और ऊपर की कुछ लेयर तो हार्ड और डेड हो जाती हैं, मार मतलब खूब सारी फोर्सेस झेल झेल के डेड हो जाती है, समझ में आ गया। और इस प्रकार की क्योंकि ऊपर की सेल्स डेड हो गई तो उनको काटने में भी जोर नहीं आता, कई बार देखा होगा नेल कटर आप लेते हो और अपनी खाल ऊपर से छोटी मोटी काट देते हो, किसी को एड़ी उड़ी में कांटा चुभ जाता है तो नेल कटर से या हम किसी से छोटी मोटी डेड जो हमारी स्किन है उसको पील ऑफ कर लेते हैं, हम कई बार नेल्स काटते हो नेल के अगल बगल की स्किन भी थोड़ी बहुत कट जाती है तो फर्क नहीं पड़ता, तो आउटर स्किन जो है ना हमारी काफ़ी मजबूत और हार्ड है, तो वो बनता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और फिर उसी के बाद स्क्वेमस का एक और मॉडिफिकेशन है बच्चों, क्या ये जो स्क्वेमस एपिथेलियम है ये कई बार क्या होता है, स्क्वेमस और क्यूबॉइडल भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है,
ये क्यूबॉइडल इपिथिलियम जो कि सिक्रेटरी फंक्शन का है, कैसा फंक्शन है सिक्रेटरी, खासकर मैं इसकी बात बता रहा हूँ, पतली सी शीट बन गई, ठीक है ना। अब मुझे बताओ आप बैग कैसे बनाओगे, झोला थैला कैसे बनाओगे, थैले के लिए आपको कपड़ा चाहिए और कपड़ा तो फ्लैट ही होता है, लेकिन उस कपड़े को गोल मोल पाउच बना करके उसको सीलना पड़ेगा तभी तो गोल मोल थैला बनेगा, झोला बनेगा। तो ये जो हमारा क्यूबॉइडल इपिथिलियम इसकी एक परत है, ये परत इनवर्ट ऐसे फोल्ड होकर के एक गोल मोल खोखला स्ट्रक्चर बना लेती है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर ग्लैंड कहलाता है, क्या कहलाता है ग्लैंड। और ये ग्लैंड जो होती है उसके सेल्स, मैंने बताया क्यूबॉइडल या किसके मतलब सिक्रेटरी है, और ये कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस सिक्रेट करते हैं, नॉर्मली हॉर्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स हॉर्मोन्स हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो ग्लैंड है, इस प्रकार की ग्लैंड जो हॉर्मोन सिक्रेट करती है उसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। इनमें कोई नली नहीं होती, ये बाहर क्या है हॉर्मोन्स को भेजते नहीं है, ब्लड की कैपिलरीज आएंगी और इन ग्लैंड्स में से इन हॉर्मोन्स को चूज करके बाहर ले जाएंगी। तो इस प्रकार की स्पेशल ग्लैंड्स का निर्माण करने वाला टिश्यू जो है वो कहलाता है ग्लैंडुलर इपिथिलियम। हमारी जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, 8 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो सारी सारी किसकी बनी हुई है ग्लैंडुलर। तो दो और रह गया हमारा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एंड ग्लैंडुलर, उसके बाद हम देखेंगे सबके डायग्राम्स देखेंगे, ठीक है। चलिए तो मैं इधर का लेफ्ट साइड का मिटा देता हूँ, डी हमारा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथीलियम। स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटा मतलब लेयर, तो इससे पता चल जाएगा मल्टी लेयर स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है कि नहीं क्या। सेल्स ऑफ स्क्वामस इपिथीलियम आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स क्यों, उसको रफ एंड टफ बनाने के लिए, टू प्रिवेंट वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर क्या होता है, वियर एंड, बेटा अलग अलग शब्द जो है, वियर मतलब पहनना और टेयर मतलब आंसू, लेकिन इसका मतलब यहाँ क्या है, टूट फूट, घिसावट, समझ में आ गया, पुराने होना। तो टूट फूट को रोकता है, इसको रोकता है, जल्दी से घिसती पिटती नहीं है स्किन, ठीक है, मजबूत ही बनी रहती है, ठीक है। और मैंने बताया कहाँ मिलती है ये, इट फॉर्म्स द आउटर स्किन, ठीक है। कुछ सेल्स के ऊपर वाले हिस्से डेड भी हो सकते हैं। और ई पार्ट हमारा क्या है, ई बताया मैंने क्या, यही सेल्स क्यूबॉइडल जो होते हैं इनवर्ड फोल्ड होके ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, ठीक है। सो ग्लैंडुलर इपिथीलियम, ठीक है। Sometimes a part of epithelial tissue, normally cuboidal होता है, folds inwards to form a multicellular होलो ग्लैंड, खोखली ग्रंथि, होलो ग्लैंड, ठीक है कि नहीं क्या। और इस प्रकार का जो टिश्यू है वो क्या कहलाता है, ग्लैंडुलर इपिथीलियम, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इपिथीलियम फॉर्म्स, क्या बनाता है ये, एंडोक्राइन, मैंने बताया ना हॉर्मोन सीक्रेट करने वाली ग्लैंड्स, एंडोक्राइन
ग्लैंड्स, कौन सी ग्लैंड्स है ये? हॉर्मोन सिक्रेटिंग। आप लोग रिसर्च करना, पता करना कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, हॉर्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड्स हमारे बॉडी की कौन सी है, या फिर एंडोक्रेन ग्लैंड्स नाम से सर्च करना, मिल जाएगा आपको। तो उनके जो भी सेल्स हैं वो ये वाले सेल्स होते हैं, ठीक है ना, एंड इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओके, ये थे बच्चों हमारे पांच प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू, और हम इसके बाद देखेंगे क्या है, डायग्राम्स कैसे बनेंगे इसके, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग समझ के नोट कीजिए। चलिए बच्चों, ये आपके क्या हैं, सीलिएटेड, ये जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू हैं उसके ये चार मैंने डायग्राम्स बनाए हैं, पांच वाला नहीं बनाया। उसका कारण है कि जो हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम है बच्चों, वो क्यूबॉइडल या फिर स्क्वैमस, इन्हीं के मिक्स से बनता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो चार है डायग्राम्स, तो मैंने बताया था स्क्वैमस एपिथेलियम जो है बच्चों, वो कैसे फ्लैट थिन वॉल्ड सेल्स हैं जो कि कंटिन्यूस शीट बनाते हैं, डेलिकेट मेम्ब्रेन बनाते हैं, तो चपटा ही है, जैसे हमारा फर्श होता है बिल्कुल उस प्रकार की चीज़ है। उसके बाद तो क्यूबॉइडल जो एपिथेलियम है वो कैसे हमारे, वो क्यूब लाइक सेल्स हैं, क्यूब या क्यूबॉइड, डब्बे नुमा बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ये भी क्लोज शीट बनाते हैं, बट इसके मुकाबले शीट थोड़ी सी मोटी है, ठीक। अब यहाँ देखना ध्यान से, नीचे मैंने जो अलग से शेडेड पोर्शन बनाया है, ये हमारी फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन है। क्या है ये? फाइब्रस, ये वाली फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये वाली क्या है, सब में होगी, फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक्चुअल में ये हमारा एरियोलर टिश्यू है जो कि कनेक्टिव टिश्यू का प्रकार है, उसके नीचे फिर हमारा मस्कुलर टिश्यू आता है। तो सबसे सतह बनाने वाले जो सबसे ऊपर या सबसे अंदर जो मेम्ब्रेन है वो बनाता है, ठीक है। क्यूबॉइडल में हमारे क्यूबिकल या क्यूबॉइडल सेल्स होंगे, न्यूक्लियस आप चाहे तो टॉप पे दिखा दो या साइड में दिखा सकते हो सब में, ठीक है कि नहीं क्या। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, और क्या है, तो ये चीज़ भी क्या है, सेम टू सेम है, फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है कि नहीं क्या। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, मैंने बताया था कि ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम है टॉप पे तो वैसे ही है, बट ये एक परत के अलावा क्या है, नीचे और बहुत सारे मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर आ गए। तो बस यहाँ पे ऐसे ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर्स बना देना जॉइंट्स के साथ, तो मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर हो गया। तो ये हमारी क्या बनाता है, ये हमारी स्किन है, क्या बनाता है, ये हमारी ह्यूमन स्किन बनाता है, ठीक है कि नहीं क्या। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ऊपर के कुछ सेल्स डेड हो जाते हैं, नीचे के लिविंग ही रहते हैं, ठीक है। इसके नीचे फिर मसल्स आते हैं हमारी, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो बेसिकली स्क्वैमस ही है, और स्ट्रेटा मतलब परत हो गई है, ठीक। उसके बाद ये मैंने बताया था सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स, ये होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है उसके अंदर होते हैं, गट के अंदर होते हैं, ठीक, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी होते हैं। तो लंबे लंबे पिलर लाइक सेल्स हैं इसके, ये तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है हमारी, ठीक है। और इसके एक एंड पे, एक एंड पे जो ओपन एंड है हमारा, वहाँ पे कुछ छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी फूड पार्टिकल वगैरह आ गया और इसको डाइजेशन के बाद में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। एंजाइम्स वगैरह बाहर रिलीज करते हैं, तो बाहर क्या रिलीज करते हैं, सीक्रेट क्या करते हैं ये, एक तो एंजाइम्स और क्या, म्यूकस, और अंदर क्या जाएगा, फूड, डाइजेस्टेड फूड, और अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वेस्ट मटेरियल, ये सीलिएस को धक्का मार मार के इंटेस्टाइन में आगे क्या है, मूव करवाते हैं। तो फूड के मूवमेंट में, डाइजेशन में, सॉरी उसके क्या, एब्जॉर्प्शन में, जो डाइजेस्टेड फूड इसके एब्जॉर्प्शन में, एंजाइम्स रिलीज करना, म्यूकस रिलीज करना, म्यूकस को मोबिलाइज करना, ये सारा कामकाज किसका है, कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स का है, ठीक है कि नहीं क्या। तो ये बच्चों हमारे बेसिक जो है चार मेन प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू हो गए, और जो ग्लैंडुलर वाला होता है वो इन्हीं का मिलके बनता है। तो ये बड़ी सारी शीट हो गई, ये इनवर्ड फोल्ड हो जाती है, और फोल्ड होने के बाद में क्या बनाती है, ये एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है हमारी वो बनाती है। तो इसमें से कुछ मेन मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स बता दूं, पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी जो मस्तिष्क में होती है, थाइमस ग्लैंड है हमारी जो चेस्ट में होती है, ठीक है कि नहीं क्या, थायरॉयड ग्लैंड है जो हमारी थ्रोट के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड है जो हमारी किडनी के पास होती है, तो ऐसे कई हमारी ग्लैंड्स हैं। हमारी पेंक्रियास भी एक एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन दोनों ही ग्लैंड है। तो हमारी 8-9 ग्लैंड्स हैं, टेस्टिस एंड ओवरीज, मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली, ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ये हॉर्मोन्स बनाती हैं, और इनका जो सिक्रीशंस होते हैं ये हॉर्मोन्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे बेसिक, जो पहला प्रकार का जो टिश्यू था हमारा कौन सा, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो इसके बाद हमारे तीन और टिश्यूज रह गए हैं, सेकंड वाला हमारा क्या बताया मैंने, कनेक्टिव टिश्यू, वो देखेंगे, उसमें एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनेगा, 7 अलग अलग प्रकार के टिश्यूज हैं, तो उसको हम देखेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, तो आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। सारे डायग्राम्स नोटबुक में भी बना लेंगे, कई बार बच्चों को डाउट रहता है कि बनाना है कि नहीं बनाना है, नोटबुक में बना लेना पहले, या तो साथ में बना लेना या लास्ट में एक ही पेज पर सारे बना लेना, जगह वेस्ट नहीं होगी, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों हम।
कनेक्टिव टिश्यू. ओके, सो टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.